યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ધોળાવીરા ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો મન કી બાત કાર્યક્રમ નિહાળવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કચ્છના સાંસદ વિનોદ ચાવડા સહિત ધોળાવીરાના ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ ભારતની ઐતિહાસિક ધરોહરની વાત કરી એ ધોળાવીરાના ગ્રામજનોને સ્પર્શી ગઈ હતી. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज तेमनी मन की बात में धोळावीरा खाते आप दूरदर्शन द्वारा जे मन की बात आयोजन करवामां आव्युं हतुं. समग्र देश में आ मन की बात आयोजन थई रह्युं छे अने भारतवासीओ तेने मन भरीने माणे छे अने तेमांथी प्रेरणादायी मुख्य जे मुद्दाओ छे ए पण तेओ ग्रहण करे छे. आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, जो हर महीने मन की बात का कार्यक्रम हम सुनते हैं, आज इसी अवसर पर यहाँ ऐतिहासिक जो धोळावीरा जो नगरी है, हडपन नगरी है, यहाँ पे सब आजू बाजू के गांव के लोग यहाँ पे आए थे, उनके साथ मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पे सुनने को मिला. हम जानते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो धोळावीरा की भी बात करते हैं, यहाँ पे हमारी जो हडपन यहाँ नगरी जो हमारी संस्कृति है उनकी भी बात करते हैं और 5000 साल पुरानी जो हमारी विरासत है उनको वहाँ पे उजागर करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात है. जो 5000 साल पहले जो कोई जिंदा रिवर नहीं था, कोई पानी का सोर्स नहीं था, फिर भी हजारों लोगों का, पब्लिक का यहाँ जो रोजगार, उन लोगों ने 5000 साल पहले यहाँ पानी रेन कलेक्शन करके जो शहर बनाया है उसका हमको गर्व है. और दूसरा गर्व हमको ये है कि उसी धरती को आज हमारा प्रधानमंत्री इस जगह पे आके उस जगह का जो भाषण दिया वो उनका भी हमको गर्व है. आज ना कार्यक्रम में आपनो जो देश जो रोसी परंपरा से जो जड़ीबूटियों थी आपनो देश जो अत्यार ना जो वैज्ञानिकों जो प्रश्न सोल्व ना करी हगे ए एक देश ना वड़ा प्रधान नी दीकरी ना आंख नी जो रोशनी गई थी ये आपनी रोसी परंपरा ए एमनी रोशनी पासे ली आवी के आपनो देश रोसी परंपरा नो बधी रीते संपन्न से आ परंपरा जळवाई रहे जरूरी से. ખાસ કરીને પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જે ઋષિ પરંપરાની પણ વાત કરી તે પણ ગ્રામવાસીઓએ વધાવી છે. અને ખાસ મહત્વની વાત તો એ છે કે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા જે હોળીના તહેવારોની પણ વાત કરી, હોળીનો તહેવાર એક જે સંગઠનનું જે સિમ્બોલ જે માનવામાં આવે છે તે ઉપર ખાસ કરીને અહીંયા ધોળાવીરાના ગ્રામવાસીઓને ગર્વ અનુભવે છે. કૌશિક કાંઠેચા સાથે ભાર્ગવ ત્રિવેદી, ધોળાવીરા, ગુજરાત.